आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जारी पर प्रयत्न कर रही है। किस तरीके से हम सर्वेलेंस और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ाएं ताकि हम वायरस को कंट्रोल कर सकें, उसके बारे में कुछ और हम नॉलेज पा सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं जो इससे लिंक्ड हैं, वो उनके साथ मिलकर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स कर रही है, विच आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स। एक टास्क फोर्स है जो ड्रग ट्रायल्स को ऊपर अफर्ट कर रही है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके। इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स ताकि वो डिजीज को समझ सकें, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में और ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में काम कर सकें, उसके ऊपर प्रयत्न चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और फार्मा के साथ मिलकर और स्टेट्स के साथ कॉपरेट कोऑर्डिनेट करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, वेंटिलेटर्स और जो रिलेटेड लॉजिस्टिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री के साथ उनको सपोर्ट करके कैसे इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, उस पर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोरिया, टर्की और वियतनाम के सप्लायर्स को भी आइडेंटिफाई किया है ताकि हम अपनी अवेलेबिलिटी देश में लॉजिस्टिक्स आइटम्स की बढ़ा सकें। डीआरडीओ लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भी इसी तरीके से N95 मास्क और जो रिमेनिंग लॉजिस्टिक्स है उनको बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ANMs, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ीज, आयुष के डॉक्टर्स जो हैं हमारे और हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपनी वेबसाइट पर COVID-19 को मैनेज करने से संबंधित, जैसे कि फील्ड सर्वेलेंस, सुपरविजन एंड लैब टेस्टिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट, आइसोलेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्लिनिकल लोकेशंस, क्वारंटाइन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इनसे संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया है। 30 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दो जो वेबिनार कंडक्ट किए गए थे उसमें मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि उसमें करीब 15,000 नर्सेस की ऑनलाइन ट्रेनिंग की गई और इसे अब तक देश भर में 1,00,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स ने यूज किया है, डाउनलोड किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसके साथ ही क्रिटिकल केयर के ऊपर भी फिजिशियंस के अपने वेबिनार शेड्यूल के साथ लोगों को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रही है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने इन सभी जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके सर्विस माइंडसेट के लिए इनकी सराहना करते हुए इनके द्वारा जागरूकता फैलाने, सोशल डिस्टेंसिंग के इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बुनियादी आवश्यकता एसेंशियल इश्यूज में कोई दिक्कत ना हो उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की अपील की है और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी श्रृंखला में ग्लोबल COVID-19 पेंडेमिक के रेस्पॉन्स पर डिस्कशन करते हुए दुनिया भर में जो भारत के सभी दूतावास हैं और उच्च आयोगों के प्रमुखों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। इसके साथ ही क्योंकि कई जगह पर कई भ्रांतियां फैलती हैं, कई जगह पर कुछ टेक्निकल इश्यूज पर डाउट आते हैं, तो जैसे कि हमारी 1075 हेल्पलाइन के द्वारा हम लोगों को टेक्निकल गाइडेंस देते रहे हैं, इसके साथ ही अब हम एक ज्वाइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर्स के साथ मिलते हुए एक स्पेशल टीम बनाते हुए किसी को भी अगर कोई टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, ऑथेंटिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए एक प्रोसेस हम नेक्स्ट 24 घंटे में शुरू करने वाले हैं, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर ईमेल पर अगर आपके कोई टेक्निकल डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद